गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर लेंगे, भाषा लैंग्वेज। भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर या इशारों से एक दूसरे तक समझाते हैं, वो कहलाता है भाषा। इसके दो स्वरूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक, जिसमें हम केवल बोलकर अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं तथा सुनकर उनके विचारों को समझते हैं, वो कहलाती है मौखिक भाषा। लिखित, जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों को बताते हैं और पढ़कर उनको समझते हैं, वो कहलाती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा का उदाहरण है रेडियो सुनना, कहानी सुनना, बात करना, ये सारे हैं मौखिक भाषा के उदाहरण। और लिखित भाषा में जैसे परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना, पत्र लिखना या कहानी लिखना, कहानी लिखन, ये सारे हैं लिखित भाषा स्वरूप। एक और स्वरूप होता है भाषा का सांकेतिक, जिसमें हम संकेतों या इशारों के द्वारा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ी का हवा में बल्ला को लहराना और जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना, ये सारे सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं।